हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे, हेल्दी होंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी के दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि मैं ज्वेलरी से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ अपना वेलकम। तो मैं तशा का कल एनुअल फंक्शन है, तो वही मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कि मैं कौन सा कान का पहन के जाना है, कौन सा वॉच पहन के जाना है। तो यही सब है। और आजकल एनुअल फंक्शन बहुत ज़्यादा हर जगह चल रहा है, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत जगह आ भी गया है गाँव वगैरह साइड में। इयर रिंग्स और वॉच मैंने सेलेक्ट कर ली हूँ। अब चल रही हूँ मैं, थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैं ज़्यादा आज तो हैवी नाश्ता नहीं करूँगी, क्योंकि रात से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है। तो मैं यहाँ बटर और चाय खा रही हूँ। चाय पीने के बाद मैं यहाँ कॉर्न भून रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। और कॉर्न में मैंने नमक और नींबू और मिर्ची का पाउडर डाल के भून रही हूँ। कढ़ाई में कॉर्न भुनने का फ़ायदा ये है फ्रेंड्स कि गैस की बचत होती है बहुत ज़्यादा, और घर के लोगों को खाना रहता है तो अच्छे से हम भून सकते हैं। नहीं तो अगर कढ़ाई अगर पूरा खड़ा आपको भुटा भुनना रहे तो फिर आप कोयले वगैरह के भी चूल्हे पे भून सकते हैं। और ये वाला जो ट्रिप है ये बहुत ही ईजली है, कढ़ाई में पूरा छिल के और सेम जैसे मार्केट में मिलता है अपना पूरा नमक नींबू मिर्ची लगा के उसी प्रोसीजर से सारा अच्छे से भून लो और सब ऊपर से टेस्ट के अकॉर्डिंग सारा नमक मिर्ची नींबू सब डाल दें फ्रेंड्स, तो सेम टेस्ट लगेगा। और ज़्यादा मतलब और टेस्टी बनाने के लिए उसके ऊपर बटर आप डाल दें। आज मैं अपने सर में मेहंदी लगा रही हूँ फ्रेंड्स, तो हिना मेहंदी है, यह बरगंडी कलर है। तो मैं बहुत ज़्यादा दिन हो गया था रखे हुए, मैं नहीं यूज़ कर पा रही थी। और तशा का कल फेयरवेल पार्टी है, तो मैं सोची कि लगा लेती हूँ, थोड़ा बाल अच्छा सिल्की हो जाएगा। और मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स है, मैं किस तरीके से मेहंदी लगाती हूँ। एक कप पानी मैंने गैस पे चढ़ा दी हूँ पतीली में, और उसमें 3 से 4 चम्मच चाय पत्ती डाल रही हूँ। चाय पत्ती का कलर एकदम अच्छे से निकल जाए, बॉयल होने दें, तब तक पकाना है चाय पत्ती को। देख सकते हैं चाय पत्ती का पानी कितना लाल हो गया, और चाय पत्ती का पूरा अर्क आ चुका है पानी के अंदर। तो इसको मुझे ठंडा करना है, उसके बाद फिर मेहंदी के अंदर डालना है। मैंने यहाँ मेहंदी का पैकेट ले ली, उसको कट करके पहले से ही कट था, और थोड़ा सा फाड़ के सारा डाल रही हूँ। और उसमें धीरे धीरे पानी डाल रही हूँ, एक ही साथ पानी नहीं डालना है तो पूरा वो गांठ टाइप में बन जाता है। तो धीरे धीरे पानी डाल के उसका अच्छा सा लिक्विड बनाना है पेस्ट। तो देख सकते हैं मैं कैसे पानी डाल रही हूँ। और फिर हाफ कट में नींबू डाल के और फिर उसको अप्लाई करना। नींबू इसलिए डालना है फ्रेंड्स कि जितने भी डैंड्रफ वगैरह हैं, जितने भी रूसी वगैरह हैं, सब रिमूव हो जाता है नींबू से। तो आप इस तरीके से आप भी मेहंदी लगाएंगे तो बहुत ही आपको भी फ़ायदा करेगा। और आप भी फ्रेंड्स चाय पत्ती के पानी में ही मेहंदी भिगाया करें। अपने पूरे बाल में मेहंदी लगा ली हूँ, अब रेस्ट करने के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दे रही हूँ ड्राई होने के लिए। आज का मेरा आउटफिट ब्लैक गाउन और ब्लैक लेगीज और ब्लैक दुपट्टा और उस पर एक वॉच और ब्लैक सिंपल सा कान का, ये ओल्ड पुराना कान का है, मैंने एक दो बार पहनी हूँ। तो और सब मेरे पास मल्टी कलर है और डिफरेंट डिफरेंट कलर का है, तो मैं फिलहाल ये मुझे मैच कर रहा है तो मैं ये पहन। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक टिप्स है, अगर आप शादी में, वेडिंग में या पार्टी में कहीं भी आपको जाना है, तो मेहंदी हुआ या फेस पे कुछ भी पैक लगाना है या पार्लर जाना है, 1-2 दिन पहले आप कर लेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। क्योंकि तुरंत मैं पार्लर वगैरह जाएं और तुरंत ही कुछ भी फेशियल पैक वगैरह कराएं तो तुरंत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, और उससे क्या होता है अपनी पूरी पार्टी और पूरी मेहंदी ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें आपकी अपना 1-2 दिन पहले ही कुछ भी फंक्शन का सारा काम कर ले, जैसे ड्रेस प्रेस वगैरह करना हुआ और सारी प्रिपेयरिंग तैयारी पूरी करके रखना चाहिए अपना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना आउटफिट पहन ली हूँ, तो कैसी लग रही हूँ? और मुझे फील हो रहा है कि मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ। तो कोई नहीं, मैं डाइट्स प्लान भी चालू की हूँ, तो मैं आपको अपना डाइट्स रूटीन बताऊँगी कि मैं कैसे अपना कैसे डाइट फॉलो करती हूँ और कैसे करके मैं 1 मंथ में तकरीबन मैं 5 से 6 किलो वज़न कम करना मैं चाह रही हूँ। तो मैं स्कूल में पहुंच गई हूँ और यहाँ सारे टीचरों का वेलकम हो रहा है। Oh,
नाइन्थ टेंथ और एट के बच्चे सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, डांस है और सब अच्छे से पार्टिसिपेट किए हुए हैं। तो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं गाना ओपन कर पा रही फ्रेंड्स, क्योंकि कॉपीराइट मार देता है तो फिर वही बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, छोटे छोटे बच्चे, मुझे अपना स्कूल का फंक्शन याद आ गया। मेरे व्लॉग्स में फ्रेंड्स सिर्फ मेरी आवाज़ सुनने के लिए मिलेगी, क्योंकि मेरी अम्मी और मेरी बहनें और भाई सब लोग बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं, तो उन लोग कैमरा के सामने और बोलना तक उन लोग हिचकिचा रहे हैं। और शायद हो सके मैं न्यू, अभी मेरी न्यू जर्नी चल रही है और मैं भी ज़्यादा फेमस नहीं हो पा रही, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे, उसके लिए हो सके उन लोग शाई फील कर रहे हैं कि क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है व्लॉगिंग्स। और उन लोग ये सोच रहे हैं कि व्लॉगिंग क्या होता है और कितने ज़्यादा लोग व्लॉगर्स हैं, उन लोग कभी व्लॉग ज़्यादा देखते नहीं थे, अब मैं कर रही हूँ तो उन लोगों को नया लग रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सॉरी अगर उन लोग की आवाज़ नहीं आती है, तो प्लीज़ सॉरी। मैं जब तक जितना मुझसे हो सकता है मैं करूँगी, इंशाल्लाह बेस्ट लेवल तक अपने करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें, और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें और मेरा भी जल्द से जल्द चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए बना सकूं।